वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स के बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर सकते हैं और जा सकते हैं AEW में। जी हाँ, ये पांच सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी मेन रोस्टर में भी हो सकते हैं और जो छोड़ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसमें भी हो सकते हैं। तो कौन से होंगे ये पांच सुपरस्टार, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कई डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार ने छोड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई AEW के लिए। सुपरस्टार जैसे क्रिस जेरिको, बिली गन, नेविल, ये सभी सुपरस्टार अभी गए हैं AEW में। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो निकल कर आ रहा है, जो हमें देखने को मिल सकता है AEW में, और इसका नाम बहुत ही ऊपर चल रहा है कि वो आने वाला है AEW में, और इस सुपरस्टार का नाम है डीन एम्ब्रोस। तो जैसे कि आपको पता है कि ये WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि WWE को यहाँ पर छोड़ने वाले हैं डीन एम्ब्रोस अप्रैल के बाद। मतलब जब डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब डीन एम्ब्रोस WWE से बाहर जाएंगे ऑफिशियली, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अप्रैल में। डीन एम्ब्रोस छोड़ने वाले हैं WWE को इन अप्रैल ऑफिशियली। तो यहाँ पर अभी सब कुछ डीन एम्ब्रोस पर ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर अप्रैल तक आते आते डीन एम्ब्रोस का माइंडसेट चेंज हो गया और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करवाया तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि वो और भी रेसलिंग प्रमोशन में जा सकते हैं। रेसलिंग प्रमोशन जैसे AEW, ROH, जापान प्रो रेसलिंग, लेकिन इसमें से ऑल एलीट रेसलिंग ही ऐसी कंपनी है जो आज के दिनों में WWE को टक्कर दे रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि डीन एम्ब्रोस में देखने को मिल सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। तो बात करते हैं दूसरे नाम की, और ये नाम है रायबैक का। जैसे कि आपको पता है कि ये सुपरस्टार WWE में पहले था, लेकिन WWE की खराब बुकिंग से यहाँ पर रायबैक ने छोड़ दिया WWE को। और छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन यहाँ पर रायबैक ने WWE से जाने के बाद WWE की बहुत ही इंसल्ट की। जी हाँ, विंस मैकमैन से लेकर स्टेफनी मैकमैन तक यहाँ पर रायबैक ने बहुत ही इंसल्ट की WWE की। तो अगर हम रायबैक की करंट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर रायबैक लड़ते हैं अंडरग्राउंड रेसलिंग, मतलब जो भी छोटे मोटे प्रमोशन होते हैं रेसलिंग के रिलेटेड वहाँ पर रायबैक जाते हैं रेसलिंग करने। मतलब अभी भी उनका नाता रेसलिंग से है। तो यहाँ पर अभी ही रिपोर्ट आई है कि जी हाँ, यहाँ पर AEW की नज़र है रायबैक पर। जैसे कि आपको पता है कि रायबैक भी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बने हुए थे WWE में अपने वक्त पर, और ये अलग बात है कि उन्होंने WWE छोड़ दी है, लेकिन उनका नाम भी बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर AEW बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही है रायबैक को अपनी तरफ लेने के लिए। तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रायबैक जाने वाले हैं AEW में। तो बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो यहाँ पर इस सुपरस्टार का नाम है ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा नाम है WWE में, और अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली तो मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ छोड़ने वाले हैं WWE को, जाने वाले हैं AEW में। मुझे ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि WWE में भी सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त है वो है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जिसने तोड़ी है द अंडरटेकर की अनडिफीटिंग स्ट्रीट। तो यहाँ पर विंस मैकमैन किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं जाने देने वाले ब्रॉक लेसनर को, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ब्रॉक लेसनर है एक तरह से प्राइज फाइटर, कि जहाँ पर प्राइज की अमाउंट बढ़ेगी वहाँ पर जाएंगे ब्रॉक लेसनर। कि मतलब यहाँ पर AEW ऑफर कर सकती है ब्रॉक लेसनर को एक बहुत ही बड़ा ऑफर WWE से भी ज़्यादा, तो उसको ब्रॉक लेसनर पॉसिबली मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से प्राइज फाइटर हैं। तो मतलब इसकी भी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिल सकते हैं AEW में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नाम के बारे में, वो है रिवाइवल्स। जी जैसे कि मुझे आपको पता है कि इसकी रिपोर्ट्स बहुत ही आ रही थी कि रिवाइवल्स की जो बुकिंग है वो बहुत ही खराब हो रही है WWE में, और इसी के चलते रिवाइवल्स ने रिक्वेस्ट की है WWE को कि वो छोड़ना चाहते हैं WWE। और जी हाँ, ये बात ऑफिशियल है कि यहाँ पर सच में रिवाइवल्स ने रिक्वेस्ट की थी WWE को कि वो छोड़ना चाहते हैं WWE को, लेकिन यहाँ पर WWE ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, और यही रीजन है कि हमें रिवाइवल्स अभी दो दिन रोज में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मतलब हमें रिवाइवल्स की अभी अच्छी बुकिंग होती हुई देखने को मिलेगी WWE में, क्योंकि एक तरह से रिवाइवल्स भी एक बहुत ही बड़ी टीम है। तो मतलब यहाँ पर अगर रिवाइवल्स की बुकिंग वैसी नहीं हुई जैसे वो चाहते हैं, और इसके चांसेस हैं कि वो छोड़ सकते हैं WWE को, जा सकते हैं AEW में। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर लास्ट पर नाम आता है CM Punk का। जैसे कि आपको पता है कि ये WWE का फॉर्मर सुपरस्टार था, और यहाँ पर इस सुपरस्टार ने बहुत ही पॉपुलरिटी कमाई है WWE से। जी हाँ, WWE से बहुत ही बड़ा नाम निकल चुका है, और यहाँ पर जब भी इंटरव्यू होती है CM Punk की, वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि मैं डन कर चुका हूँ प्रो रेसलिंग से। जी हाँ, मतलब मैं अभी लड़ना नहीं चाहता प्रो रेसलिंग में, लेकिन यहाँ पर फिर भी चांसेस हैं कि CM Punk हमें देखने को मिल सकते हैं AEW में, क्योंकि WWE को वो तो छोड़ चुके हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचती है, और ये ऑप्शन AEW ही है, क्योंकि इन्हीं दिनों यही कंपनी है जो WWE को टक्कर दे सकती है आगे के लिए।
तो ये थे वो पांच नाम जो हमें देखने को मिल सकते हैं AEW में। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और बताएं कि आप इन पांच नामों में से कौन सा नाम देखना चाहते हैं जो WWE को छोड़े और जाए AEW में। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें और WWE की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें।